तो कैसा हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के टाइम में और लेके आया हूँ भैरों को वॉक पे और रॉक्सी वहाँ पे है। तो अभी एक मैंने परचेस की जर्मन की सीमेंट, ठीक ना, मीडियम कोट की है और वो मैं एक फ्रेंड को दे रहा हूँ रखने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मुझसे मांग रहा था कि मुझे कोई डॉग दे दो कोई डॉग दे दो। तो मैंने उसको बस ऐसे मुझे मिली तो मैंने ले ली और फिर उसको कह दिया भाई तू रख ले, ठीक ना, समझ रहे हो, बहुत लोग ब्रीडर मतलब ब्रीडिंग के लिए मैंने ली और फिर बच्चे चिलिया करूँगा भाई, ये देखो गिरा हुई थी तो ब्रीडिंग के लिए ले ली और फिर उसे बच्चे अगर हमें ले लिया करूँगा हमें से तो ठीक रहेगा ना। और भैरव अभी फ्रेश होने की तैयारी में, रॉक्सी देखो शरारत करके अभी उसको गिराते गिराते रही है। तो अभी दाता इधर तो दिखाता हूँ आपको, वही गया लेने मैंने कहा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। और अभी मैंने एक और फीमेल जो अपनी लैबरा की दी थी ना एक फ्रेंड को अपनी, तो इस टाइम पर हीट पर है तो अभी उसकी मैटिंग भी करानी है तो वो मेरे पास ही आएगी, फिर मैं ले जाके मैट कराऊँगा उसको। तो ये बात है, चलो देखते हैं जो होता है। तो बस ये है अगला दिन ठीक ना, और सुबह उठते बैड न्यूज़ मिल गई हमको, जो गैस अपना ये बछड़ा था ना ये गैस अब नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, ठीक ना गैस, ये देखो अभी गैस उसको पैक करके अच्छे से गए थे फिर रात में पता नहीं कभी एक्सपायर हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे पराले वगैरह बहुत कर दिया था बस था, इसको ठंड तो उतनी लगती नहीं होगी और अभी उतनी ठंड पड़ भी नहीं रही फिर भी एक्सपायर हो गया गैस, ठीक ना। और एक तरीके से अच्छा हुआ गैस क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान था, हमारे घर पर आए इसको 1.5-2 महीने हो गए और लगभग लगभग ही हमारे घर पे आए बस 4 दिन ही 2 दिन चला होगा बहुत जब तब से बैठे था, इसको मैगेट भी लगे वो सब तो मैंने सही कर दिया और फिर खाना भी इसको फीवर बहुत तेज हुआ करता था वो सब भी सही हो गया, बट अब अचानक से एक्सपायर हो गया सब तो सही हो रहा था इसको। और मेरे को लगता ही था कि ये खड़ा हो पाएगा भाई, लिटरली मुझे लगता था कि ये नहीं खड़ा हो पाएगा, तो चलो हमारे जो कि सही था, इसको बहुत प्रॉब्लम थी। अभी भैरव भी देख रहा उसको क्या होगा, हाँ बट चला गया अपना बच्चू बछड़ा चला गया भाई बछड़ा अपना भाई। यार आदमी या इंसान कुछ ज़्यादा हद कर रहे हैं यार भाई जानवरों के साथ भाई, ठीक ना। अब उस बेचारे की क्या गलती है, अगर उसको अगर उन्होंने भरपूर दूध दिया होता तो आज इस हालत में नहीं होता, ठीक ना। तो बहुत गलत बुरा किया उन्होंने और इनका आगे भाई भगवान सब देखते हैं, आगे इनका भी जो करना हो भगवान कर देंगे जिन्होंने इसके साथ ये किया होगा। भाई मेरे इसको दूध पीने नहीं आता भाई, कोई गाय का बछड़ा हो भाई एक दिन बस उसको दूध पकड़ा हो भाई, एक दिन जब वो पैदा हो उसके अगले दिन से गाय पागल रहता है दूध पीने के लिए, भाई छोड़ दो पूरा दूध पी जाएगा कितने लीटर दूध दो 10 लीटर 20 लीटर, बट ऐसे दूध पकड़ने तक नहीं आता था भाई। तो शुरू से इसको बस खिलाया पिलाया भूसा और बांध के एक जगह रख दिया, खराब हो गया भाई। मेन चीज़ तो ये है इसको एक्सरसाइज भी नहीं कराई, बछड़े जब छोटे होते हैं भाई 10-15 दिन के अंदर अंदर उनको बहुत दौड़ाया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है। हमारी बछड़ी आप देख रहे हो कितनी बड़ी है भाई, एकदम फिट है, इतना दूध पीती है, उसके हाथ तक में घूमती फिरती है, बट इसके साथ ऐसा कुछ था नहीं तो हुआ इसके साथ। और मेरी भी तबीयत खराब थी 2 दिन से, मैं इसको ध्यान कम नहीं दे पा रहा था, घर वाले दे रहे थे, बट फिर भी मैं रात में आके इसको पानी वगैरह पिलाया और रोटी वगैरह खिला दिया था और खाना वगैरह तो दिया गया था। तो कल मैं इसको सहलाया वगैरह भी, तो इस चीज़ का अफसोस नहीं कि आखिरी टाइम इससे मिला नहीं, मिल गया इसकी सेवा भी कर दी। तो जय गौ माता, आप भी ऐसे मदद करो और भगवान के हाथ में हो भाई, आप बस कर सकते हो मदद, बाकी भगवान के हाथ में होता जो होता है। और एक और बैड न्यूज़ ये आ रही है कि रॉक्सी रात में केज खोल के पता नहीं कहाँ गायब है, ठीक ना, रात में खुली थी इतना तो पता था मुझको, तो घर वाले बताए थे यहीं बाहर भैरों के पास में बैठी है, बट अभी सुबह सुबह पता नहीं किधर गई, उसको भी ढूंढ लिया वो भी नहीं मिली यार, पता नहीं क्या हुआ आज के दिन, क्या ही दिन था। और मेरे गाय कमर में बहुत तगड़ी पेन हो रही है, ठीक ना, मैं बता नहीं सकता लेकिन बहुत ख़तरनाक। और कल मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लगे थे, दिन भर मुझे चक्कर आ रहा था, तो अभी तो थोड़ा चक्कर कम है बट उठते गए ये सारी मेडिसिन मिल गई तो और बुरा लगता है, क्योंकि 1-1.5 महीने से मैं ही उसका सारा काम करता था, ट्रीटमेंट दवा इंजेक्शन सब मैं करता था, डॉक्टर बस 1 हफ्ते आएंगे फिर डॉक्टर कह रही है नहीं होना होगा तो खड़ा हो जाएगा बाकी सब चाहिए, तो देखो क्या, तो जो होना था हो गया, तो इसको अंतिम विदाई देता है फिर आप सुनते। तो कैसे ये देखो अपनी रॉक्सी यहाँ पे अपने काउ फॉर्म में, ठीक ना, बैठी है, मैंने इसको बहुत आवाज़ दी तभी आई नहीं और बहुत ढूंढ लिया और मिली कहाँ पे, ये भाई इस कबाड़ में बैठी है उस प्लास्टिक पे, अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। बाहर पप्पी तो नहीं देखी तो कहीं, पप्पी कहाँ से दिखी, वो तो तेरे पप्पी हुए थे। तो अभी देखो इधर अपने काउ फॉर्म में ये आके बैठी है और मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, मैं आया हुआ काउ को देखने के लिए नहीं उसको बछड़ी को, तो फिर मुझको यहाँ पे एक मुंह दिखा बिल्ली सा, वो मुंह मेरे रॉक्सी का था, इधर क्या कर रही थी तू, आ चलते हैं बाहर, नहीं आगे बाहर, तो मुझे लगता है ना रॉक्सी को ठंड लग रही है यहाँ पे, तो रॉक्सी का यहीं पर मैं सेटअप कर देता हूँ, यहाँ से 2-3 कैरेट रख के एक जूट का बोरा बिछा दूंगा, मस्त होकर यहाँ पे बैठेगी,